अलावा बिग बॉस भी चालू है। बिग बॉस भी बड़ा बढ़िया शो, साजिद खान भी आने वाले, काफी इंस्पायरिंग, काफी इंटरेस्टिंग रही। इंस्पायरिंग नहीं है वो शो, काफी इंटरेस्टिंग रही थी उनकी जर्नी। आप कुछ बताना चाहोगे किस तरह से आप फॉलो कर पा रहे हो बिग बॉस को? हाँ हाँ, मुझे तो फॉलो क्या कर रहा हूँ, मेरा सेट उधर भाई होते हैं स्टेज पे और इधर उनका दीवार है और इधर मैं हूँ। yes. वो मराठी पीछे है। mm-hmm. वो मैं फोटो ही देख देख के खुश होता हूँ, उधर भाई की फोटो लगी है, इधर महेश मांजरेकर की बीच में मेरी। मैंने बोला हाँ ये कोई बात हुई, अपना शो आया। yes. मैंने बोला कपिल से एग्जिट लिया, कुछ तो करूँ मैं तो तो साजिद भाई की बहुत अच्छी जर्नी रही। साजिद भाई को मैं जानता हूँ मेरे बचपन से, मैं भी शो पर भी गया था, आपने देखा धर्म जी आए थे तो भाई के साथ, फिर मैं अंदर जगू दादा बन के बात कर रहा था सब। तो साजिद भाई को मैं देखा, साजिद भाई की भी जर्नी बड़ी अप्स एंड डाउन्स बोलते हैं ना, तो हमको ऐसा लगा था कि वो थोड़ा सा एग्रेसिव हैं, तो शुरू में कैसे रहेंगे क्या रहेंगे, तो हम वही डिस्कस करते थे यार। ही इज़ प्रॉपरली, उन्होंने अपनी गेम खेली, अपने उसको मेंटेन रखा, अपने डेकोरम को और अपनी एज को भी, क्योंकि वहाँ सबसे बड़े वही थे। Correct. तो उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की और बहुत अच्छे से उन्होंने गेम खेली और बहुत क्लीन एग्जिट लिया उन्होंने। जिस तरह उनकी दोस्ती थी अब्दू के साथ, काफी इंटरेस्टिंग, बड़ी 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 प्यारी, बड़े मियाँ छोटे मियाँ थे दोनों। आप कुछ बताना चाहोगे उनकी फ्रेंडशिप के? मैंने बहुत अच्छी उनकी फ्रेंडशिप बाद में भी नजर आती है। अभी फराह जी ने एक पोस्ट भी डाला था अब्दू का और उसका, और नीचे एक बहुत अच्छी चीज फराह ने, दीदी ने लिखी थी, मैं दीदी बोलता हूँ, मैं तो घर का रिलेशन है उनके साथ, तो नीचे लिखा था कि Sometimes not important to win shows. It's important people for win-win hearts of people. Something like that. ऐसा कुछ। Yes, yes. वो सही लिखा था उन्होंने। आपके top three और winner कौन होंगे? Top three. MC Stan बाहर आएगा मेरे को लगता है। पहले ही आएगा। Yes. क्योंकि वो खुद भी परेशान है अंदर। Yes. उसको ऐसा लग रहा है कि शोज मेरे बहुत जा रहे हैं, पैसा भी मेरा ऐसा लग रहा है ना, वो टेंशन में रहता अंदर कि मेरे लाइव शो का क्या होगा, शोज आ रहे होंगे ये वो, लेकिन उसको ये नहीं पता बिग बॉस में आने के बाद वो भी और नेक्स्ट लेवल पे चला गया, क्योंकि स्टैन की फॉलोइंग है, ऐसी बात नहीं है, तभी वो अंदर है इतने टाइम से। बट वो मुझे फाइनल टॉप थ्री में मुझे स्टैन नहीं लगता, पर्सनली पूछो तो मुझे प्रियंका, निमृत, शिव ठाकरे बहुत अच्छा है, लेकिन वो मराठी जीता ना फिर ठीक है। शालीन मुझे आना चाहिए, गेम के हिसाब से शिव होना चाहिए, लेकिन अभी एक विनर हुआ ना, कितनी बार अभी विनर अलग अलग होगा। आपके हिसाब से प्रियंका विनर? प्रियंका जीतनी चाहिए शो को। एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा, इंटरव्यू के दौरान आपने एक कुछ बताया था कि मेरी कपिल से एग्जिट होने के बाद, ये एक पॉइंट था आपका, आपके काफी फैंस चाहते हैं कि फिर से आप कपिल, मैं आऊंगा कपिल शर्मा में, क्योंकि इंटरव्यूज में भी कहा है कपिल को, मैं आपको बताऊं, कपिल जो है आई रियली लव हिम, बिकॉज मैंने कपिल ने कहा कॉमेडी सर्कस से शुरुआत की हम लोगों ने, ठीक है, एंटरटेनमेंट बिजनेस को कपिल डेफिनेटली बहुत बड़े लेवल पे भी लेकर गया है ना, कपिल शर्मा शो चला, कॉमेडी शो चलने चाहिए, लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए। और चलो अभी आप पर्सनली बात करूँ मैं, तो मेरा उससे बहुत प्यार है, वो मुझे बहुत प्यार करता है, चार साल उसने मेरा बहुत ख्याल रखा, मैंने चार साल किया कहाँ, 18 में शुरू किया था, फिर कोविड में भी हम ही लोग थे जो लोगों को एंटरटेन कर रहे थे कटआउट से लगा के, कैसे कैसे हमने शो किया है, तकलीफ हमको ही पता है। तो ये एग्जिट हो गई ठीक है, मेरा कुछ जमा नहीं, कॉन्ट्रैक्चुअल मेरे इश्यूज थे, मेरे कपिल से कोई पर्सनल इशू नहीं है, बल्कि मैंने शो छोड़ा उसके बाद, मैं और कपिल अभी वहाँ पर थे ऑस्ट्रेलिया में, तो कपिल ने एक वीडियो डाला था, हम लोग मसाज वसाज करा रहे थे, बोले वो कपिल बोला, बोले वीडियो डालना ज़रूरी है ताकि लोगों को ऐसा ना लगे कि हमारा कोई पर्सनल कुछ हुआ है, तो मेरा कोई पर्सनल नहीं, कपिल शर्मा शो में मैं कपिल हम सब साथ में वापस आएंगे, और मेरा बड़ा मन है, मैं मिस तो करता हूँ उन लोगों को, ऐसी बात काफी मिस कर रहे हो, सब सारे ट्वीट आते हैं देखने के बाद तो काफी बहुत, कमेंट सेक्शन अरे मेरे को आप देख लो, मेरे को रोज आते हैं कब आप आ रहे हो कब आप आ रहे हो, तो मैं ऑडियंस को ही बोलना चाहता हूँ कि हम लोग साथ में जरूर आएंगे, और हम लोग टच में, हमारी हमेशा बात होती है, और कपिल बोलता है, बोले नहीं भाई अभी हम लोग साथ में डेफिनेटली जरूर प्लान करते हैं, तो हम लोग जल्दी आ जाएंगे, अभी नहीं 6 महीने बाद आ जाएंगे। थैंक यू सो मच।